प्रदेश सरकार की लगातार वादा खिलाफी और नीतियों से नाराज निजी स्कूल संचालकों में असंतोष बढ़ने लगा है। नतीजतन 18 को एक दिवसीय स्कूल बंद रखकर 27 सितंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को अशासकीय स्कूल संचालकों ने अपनी सूचना कलेक्टर को देते हुए अपना रुख साफ किया है। निजी स्कूल संचालक आलोक मेहता ने बताया कि लंबित मांगों का निराकरण किए जाने की मांग को लेकर 18 सितंबर को प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूल संचालक सभी स्कूल बंद रखेंगे। 27 सितंबर को भोपाल में प्रदेश भर के स्कूल संचालक एकत्रित होकर सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ महाकुंभ आयोजित कर तीव्र आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। हमारी प्रमुख 9 मांगों में 3 साल स्कूल संचालक के साथ स्थायी मान्यता देने के साथ ही RTI की राशि का भुगतान समय पर करने जैसी मांगे शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ज्ञापन की सूचना दी है जिलाधीश महोदय कार्यालय में। हम ज्ञापन सोमवार को देंगे और 9 सूत्रीय मांगे लेकर दिया है। मध्य प्रदेश संयुक्त अशासकीय विद्यालय संगठन बना है और उसके तत्वाधान में 18 तारीख को हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हमारे साथ में विभिन्न चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे RTI राशि पूरी नहीं मिल पा रही है, हमको 5% आरक्षण नहीं दे पा रहा अपने इसमें दूसरी जगह, और कई जगह हमारे चीज़ों को नहीं माना जाता है। 3 साल की जो मान्यता दी जा रही है उसमें भी हमसे FD ली जा रही है और रजिस्टर्ड किरायानामा लिया जा रहा है। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमारे शासकीय संगठन की मांग है और इनको सुना जाए। इसी संदर्भ में हम सोमवार के दिन 18 तारीख को सांकेतिक हड़ताल करेंगे। यदि उस दिन हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 27 सितंबर को प्रदेश स्तर पर शिक्षा महाअभियान चलेगा और वहाँ भोपाल हम लोग प्रस्थान करेंगे। हेमंत मेहता, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।